हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एस रेडियो चैनल। दोस्तों, ये वीडियो आज मैं जितने भी रेलवे स्टॉक आप देख रहे हैं, जितने रेलवे स्टॉक है, तूफानी तेजी आई हुई है और इन रेलवे स्टॉक्स में हमें क्या करना चाहिए, जिसमें से कुछ स्टॉक मैंने आपको दिए भी थे हाल फिलहाल में, और हमें एक ट्रेडर के नाते क्या करना चाहिए और एक इन्वेस्टर के नाते जो लॉन्ग टर्म पैसा लगाते हैं, जो अभी लगाने की सोच रहे हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए, टेक्निकल व्यू मेरा सभी रेलवे स्टॉक पे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, रेलवे स्टॉक में आप जैसा कि देख सकते हैं, एक तूफानी तेजी हुई हुई है और उस तूफानी तेज में कई लोगों ने ये सोचा हुआ है कि यार ये मैंने मिस कर दिया, यार मैं कहाँ एंट्री लूँ। कई लोगों ने एंट्री ले रखी है बहुत नीचे स्तर से, तो उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो मैंने सबसे पहला रेलवे स्टॉक खोला है, उस स्टॉक का नाम है IRFC। जैसा कि आप स्टॉक को देख सकते हैं, इस स्टॉक ने कंटिन्यू रेजिस्टेंस था 36 रुपए का। ये मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है, 36 रुपए के ऊपर ये स्टॉक जाता नहीं था, आप देख सकते हैं। और जैसे ही 36 रुपए के ऊपर इसने वीकली क्लोजिंग दी, ये स्टॉक अनस्टॉपेबल, इसने अपना हाई मारा 92 का, और 92 के बाद अगर आप इसको नोटिस करेंगे, इसमें एक अच्छी खासी रैली हुई और 92 के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, जिसका हमें ब्रेकआउट मिला, या हमने अपनी टीम को भी एंट्री दी थी। और इस एंट्री का जो हमने प्रॉफिट बुक करा, वो अराउंड करा हमने 102 रुपए में, और इसके बाद एक दोबारा रैली आप देख सकते हैं जो आई। अब नए ट्रेडर जो इसमें पैसा लगाने की सोच रहे हैं, वो क्या करें। अब मुझे आप बताइए, जिस बंदे ने यहाँ एंट्री ली हुई है 81 रुपीज के आसपास, और ये स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, कोई भी स्टॉक क्या कंटिन्यू ऐसे ट्रेंड में जाएगा, क्या ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत तो नीचे चलेगा ना। हालांकि IRFC में मेरी कोई कमजोरी की राय नहीं, मुझे तो लगता है ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है, लेकिन इस स्तर पे मैं आपको बाय की रेटिंग नहीं दूंगा कि आप इसको खरीद ले। मैं चाहूंगा इसमें मुझे कंसोलिडेशन मिले, अब ये रुके थोड़ा बहुत, चले ऐसे रुके, फिर उसके बाद ये निकलता है, तब हम इसमें एक एंट्री लेने की सोचेंगे। तो ये थी मेरी IRFC को लेकर आए। तो चलिए, मैं जो दूसरा स्टॉक लेके आया हूँ, उस स्टॉक को आप अच्छी तरह जानते हैं, उस स्टॉक का नाम है रेल विकास निगम, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। और पहले मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं, उससे पहले मैं इसका वीकली चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, और ये रैली अराउंड, पहले ये अच्छा खासा 28 रुपए से लेके 43 रुपए में सस्टेन कर रहा था, और उसके बाद जैसे इसको तोड़ा वीकली चार्ट पे, तो आप फिर नोटिस करेंगे इसमें हाई मारा 80 रुपए का। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई स्टॉक एक रैली के बाद कंसोलिडेशन करना बहुत जरूरी होता है। अब इस स्टॉक ने 42 के बाद एक हाई मारा 80 रुपए का, और उसके बाद इसने देखिए कंसोलिडेशन करा, और ये कंसोलिडेशन नवंबर से लेके अप्रैल तक चला है, मतलब अगर 6 महीने का भी कंसोलिडेशन है तो बुरा नहीं है। उसके बाद फिर निकला, फिर इसने रैली दी, और रैली देने के बाद आप फिर देखिए 85 रुपीज के बाद इसने फिर से रैली दी 140 रुपए, और 140 रुपए के बाद अब ये इसने फिर से कंसोलिडेशन करा और फिर से इसने रैली दी, तो ये रैली अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अब आप एक खुद देखिए, इस कैंडल कितनी बड़ी है, यहाँ पे तो हमारी कोई एंट्री बनती नहीं है, लेकिन जिन्होंने इसमें पैसा लगा रखा है रेल विकास निगम में, उनको बने रहने की मैं राय दूंगा। और कहीं ना कहीं बजट में जो इस बारी रेल को लेके मोदी सरकार बजट निकालेगी, तो मुझे तो लग रहा है बहुत ही ज्यादा ग्रोथ रेलवे पूरी डिपार्टमेंट को लेके मुझे दिखती है। तो इस स्टॉक में भी मेरी मेरी बने रहने के लिए राय, एक इन्वेस्टर के लिए, लेकिन जो इसमें नया पैसा लगाना चाहता है, उसको मैं इससे दूर रहने की राय दूंगा। तो चलिए, मैं जो अपना तीसरा स्टॉक रेलवे का लेके आया हूँ, वो दिखाता हूँ आपको। उस स्टॉक का नाम है जुपिटर वैगन। जैसा कि आप जानते हैं, ये जुपिटर वैगन का चार्ट, और ये चार्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब से मैंने आपको अभी रेल विकास का भी दिखाया, IRFC का भी दिखाया, लेकिन जहां एंट्री मिल रही है आप वहां एंट्री करिए। अगर आपको लग रहा है कि बजट में वाकई में रेलवे कुछ कमाल कर सकता है, तो आप वहां एंट्री करिए जहां आपको करनी चाहिए, जहां आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ से अगर गिरेगा तो लॉस होने के चांसेस कम है। मैं आपको वही स्टॉक दिखाऊंगा, क्योंकि पैसा बहुत कीमती है, पैसा ऐसा नहीं कि कोई चीज भाग रही है, यार मैं भी ले लूं मैं भी ले लूं। अरे आप अभी तो ले लोगे, अगर 2 दिन बाद गिर जाएगा तो उस गिरावट में निकालने का दम होना चाहिए आपके अंदर, और वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जुपिटर वैगन का चार्ट है, और इस चार्ट में 125 रुपए का रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस अच्छा खासा मंथली में भी तोड़ा है, और मैं इसके आपका वीकली चार्ट दिखाऊं, मंथली के तोड़ने के बाद इसने एक अच्छी खासी हमें एक रैली दी है, और इस रैली को आप बड़े ध्यान से देखिए, ये रैली इसने अराउंड 137 से कहां तक भी 400 रुपए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ डे के चार्ट में दिखाना चाहूंगा, और आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे, ये क्या कर रहा है, रैली देने के बाद इसने अपना हाई मारा 408 रुपए का, और 408 रुपए के बाद
ये कंटिन्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब यहाँ खरीदार भी आ रहे हैं, यहाँ कई लोगों को लग रहा है गिरेगा, लेकिन इसने क्या करा, इसने एक राउंडिंग लगाया। ये राउंडिंग मैं बार बार ही आपको कितनी वीडियो में समझाता हूँ, देखिए आप, ये एक राउंडिंग लगा, लगा कि नहीं लगा, पूरा ऐसे सेमी सर्कल टाइप लगा है। और इस सर्कल का अगर आप एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, वो आपको रेजिस्टेंस दिख जाएगा, ये देखिए, इस रेजिस्टेंस का भी हमें ब्रेकआउट मिला है, और वो ब्रेकआउट वीकली में हमें ज्यादा क्लियर दिखेगा। देखिए आप, तो कहीं ना कहीं जुपिटर वैगन में आने वाले समय में मुझे और तेजी दिखती है। ये हमारी एंट्री पॉइंट हो सकती है, इसको मैं एंट्री पॉइंट बोलूंगा, ठीक है ना। अब ये नहीं कि ब्रेकआउट हुआ है तो हम तुरंत ही ले लेंगे, ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट करेगा, यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल बनाएगा, जब हम इसके अंदर एक एंट्री लेंगे। ये थी मेरी जुपिटर वैगन को राय। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अगला रेलवे स्टॉक, जिस स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इरकॉन का चार्ट है। मैं आपको पहले इसका वीकली चार्ट है जो समझाना चाहूंगा, और इस वीकली चार्ट पे चल क्या रहा है, इसको आप बड़े ध्यान से समझिए। इस स्टॉक में कंटिन्यू रेजिस्टेंस था, जो अराउंड पहला रेजिस्टेंस था 65 का बना, जैसे इसको वीकली में तोड़ा, कंसोलिडेशन हुआ, देखिए कंसोलिडेशन के बाद फिर इसको तोड़ा, फिर एक नया हाई मारा, और नए हाई मारने के बाद अब इसमें क्या हुआ, फिर से कंसोलिडेशन हुआ, और ये कंसोलिडेशन हुआ सितंबर से लेके अराउंड जून, ये आ गया जनवरी, मतलब 3-4 महीने का कंसोलिडेशन हुआ, और फिर इसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद फिर एक रैली दे। तो इसमें भी जिन्होंने नीचे स्तर पर पैसा लगाया, भैया वो तो गलती से भी ना निकाले, जितने भी लोगों ने नीचे पैसा लगाया हुआ है वो स्टॉक को गलती से भी ना निकालें। लेकिन अब जो स्टॉक, जो भी बंदा इसमें नया लेना चाह रहा है, वो कहाँ एंट्री लेगा? अब एक बात बताइए, आप यहाँ एंट्री लेंगे? अरे बंदे ट्रेडर भी यहाँ एंट्री कर चुका है, बड़ा प्लेयर भी यहाँ एंट्री कर चुका है, अगर आप यहाँ एंट्री करेंगे तो आप ट्रैप होंगे, क्योंकि यहाँ से गिरावट आप सहन नहीं कर सकते। हालांकि मुझे इसमें कोई गिरावट दिखती नहीं है, ये हो सकता है यहाँ से आराम से ऊपर जाए, मुझे 300 रुपए की टारगेट तो ऑल फिलहाल इसमें दिख रहे हैं, लेकिन उसमें फिलहाल ट्रेडर के लिए कोई एंट्री नहीं है, इन्वेस्टर के लिए अगर हाँ ये रीटेस्ट मार्क थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे आता है, अराउंड इस लेवल पे मिलता है, तो आप ले सकते हैं। ये थी मेरी इरकॉन को लेके लाए। और जो अगला स्टॉक मैं आपके लिए लाया हूँ, मेरा पसंदीदा स्टॉक, इसका नाम है IRCTC। हाँ जी, इस स्टॉक में आप देख सकते हैं, मैंने इस स्टॉक में 2 बारी प्रॉफिट बुकिंग करी है। और ये स्टॉक बताने से पहले मैं आपको इसमें एक चीज है जो समझाना चाहूंगा, जिसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको इसका एक मंथली चार्ट दिखाता हूँ। मंथली चार्ट में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, तो आप कंटिन्यू देखिए, ये रैली अराउंड 300 रुपए से इसने कंटिन्यू हाई मारा 1277 रुपए। अब हाई मारने के बाद क्या हुआ, मैंने आपको क्या बोला, जैसे कि आपने मैंने आपको सबके चार्ट देखा, हाई मारने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें कंसोलिडेशन ढूंढना है। अब उस कंसोलिडेशन में हमें कहाँ एंट्री लेनी है, वो हमारा दिमाग, हमें अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। अब 1280 रुपए का इसने अराउंड हाई मारा, और उसके बाद इसमें हो क्या रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे, इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है आपको ये डब्ल्यू पैटर्न, लेकिन इसमें एंट्री कैसे मिलेगी, मैं आपको वीकली चार्ट में दिखाता हूँ। अब आप देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक सिंपल सी चीज हो रही है, इसका जो पहला रेजिस्टेंस था वो 900 रुपए का था, 900 रुपए के बाद इसने अपना लो मारा 580 का, और 580 के बाद इसने अराउंड 768 का पहला हाई मारा, तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, आप देख सकते हैं। लेकिन अब इसने क्या करा, इसने लोअर लोस बनाने बंद कर दिए, ये कंटिन्यू लो लो, अब यहां से इसको बनाना था ना, तो एक नया लो बनाना था, लेकिन इसने लो नहीं बनाया, इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ये कंसोलिडेशन होकर ऊपर निकला, और यहां से हमने 2 बारी एंट्री ली थी, जिसमें हमने अराउंड कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली डे के टाइम फ्रेम को देखते हुए। और आप नोटिस करेंगे, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें अराउंड 917 का लेवल, जो लेवल 2021 नवंबर को था, जी हाँ 2021 नवंबर को, वो इसने 2023 में तोड़ दिया है। 2 साल का कंसोलिडेशन मायने रखता है दोस्तों। तो इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद अब होगा क्या, मुझे तो इजीली इसमें पहला टारगेट, अभी ये चल रहा है 1027 में, अभी इसमें पहला टारगेट इजीली 1150 रुपए और अराउंड 1275 रुपए मुझे तो आराम से दिखता है। क्यों, अब आप इसमें एक चीज देखिए, इसमें एक डब्ल्यू भी बन रहा है, और साथ के साथ जिसके बारे में मैं बार बार ही कह रहा हूँ, एक राउंडिंग इतना बड़ा बन रहा है, और इस राउंडिंग की पीक क्या है, इस राउंडिंग की पीक है हमारी ये 1270 के आसपास, तो ये आराम से मुझे लगता है 1270 जाएगा, और मंथली क्लोजिंग अगर इसके ऊपर दी तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसको भी तोड़ के निकल सकता है। तो ये थी मेरी IRCTC को लेके राय, और जितने नीचे स्तर पर ले रखा है मैं तो उसको बोलूंगा वो होल्ड करे, और जो यहाँ लेना चाहता है, थोड़ी सी गिरावट में आप इसमें फिर से एंट्री बना सकते हैं अराउंड के टारगेट के लिए, 1270 के टारगेट के लिए। ये थी मेरी IRCTC लग रहा है। चलिए तो
एक आखिरी स्टॉक जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये स्टॉक है राइट्स। जिस स्टॉक को मैंने, आप मेरी पुरानी वीडियो में भी चेक कर सकते हैं, मैंने आपको ये स्टॉक दिया था। और ये स्टॉक के बारे में मैं बताऊं, मैंने आपको कहा क्या कहा, एक बड़ी रैली के बाद मैं कंसोलिडेशन को बहुत जरूरी से ध्यान देता हूँ। और इस कंसोलिडेशन में क्या हो रहा है, मैंने आपको इस चार्ट में भी बताया था, ये वापस ऊपर जाने के लिए निकल रहा है। और मैंने आपको इस कैंडल मतलब 524 रुपए के आसपास में एंट्री लेने के लिए बोला था, और इसने 2 से 3 दिन में पूरे टारगेट भी दे दिए। और अगर आप नोटिस करेंगे, इसने इस रेजिस्टेंस को, जो इसका 570 के आसपास का रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ के भी ये काफी अच्छी कैंडल के साथ निकल चुका है। तो मुझे तो राइट्स में आने वाले समय में और भी बेहतरीन टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मेरा इसमें लास्ट टारगेट 600 रुपए का था, लेकिन जिस हिसाब से ये कैंडल क्लोज हुई है, मुझे तो इसमें और अच्छे टारगेट देख सकते हैं। तो ये थी मेरी राइट्स को लेकर राय और बाकी सभी रेलवे स्टॉक को लेकर राय। आपको ये वीडियो गाइस कैसा लगा, मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।